अमर रहे। फिर आओ वापस आ रहा है, एक केवल एक बीएमएस के चलते हो रहा है। फिर भी आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग हमेशा बीएमएस का साथ दीजिए, दूसरों के बहकाव में मत आइए। और मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग हमेशा ऐसे पेड़ के छांव में रहिए जो बरसात में आपको पानी से भी रोके, धूप में आपको गर्मी से भी रोके। एक सूखे हुए पेड़ आने वाले दिनों में आप सभी हमारे संगठन से जुड़िए और हमारे संगठन को मजबूत कीजिए। उसके बाद देखिए नीचे में मजदूरों का क्या शक्ति होता है, मजदूरों का क्या पावर होता है, मजदूरों का क्या हक मिलना चाहिए, वो हम लोग लड़के रहेंगे। डरेंगे तो आप लोग का कभी भला नहीं होगा, मैनेजमेंट आपको दबाता रहेगा। दुख समझ के एक ही कॉल में वो लोग आ गए हैं। आज कोई दूसरा यूनियन का लीडर लोग यहाँ में आके पहुँचा नहीं सब समस्या के समाधान के लिए। और दूसरा बात है, देखिए आज से 2023 में से पहले जो हम लोग का जो वाइस बोर्ड के लिए दूसरा यूनियन का नेता लोग क्या बोलता रहा, डीपी मुद्दा बोल के भ्रम में फैलाया। आज से एक महीना पहले वर्क्स कमेटी बोल के दुनिया का आदमी को बोल रहा है वर्क्स कमेटी बनाया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन केवल बीएमएस एक ही अपना आदमी का नॉमिनेशन नहीं दिया। ये वर्क्स कमेटी होने वाला नहीं है, जब तक बीएमएस एग्री नहीं होगा तब तक सरकार के ऊपर बीएमएस का दबाव रहेगा। कोई माइकल वर्क्स कमेटी नहीं बना सकता है हमें।